Haryana Chief Minister Naib Singh Saini on Tuesday reacting to Congress leader Nana Patole's dog remarks said the Congress has only done injustice to the OBCs and used them as vote bank politics. He further said no one has ever respected the OBCs the way PM Modi did. Mention may be made that while campaigning in Akola district of Maharashtra, Nana Patole said that the BJP had become arrogant and it was time to make the party a dog. Nana Patole made the remark while criticizing the BJP's alleged bad treatment of the OBC community. मैं पूछना चाहता हूं क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। देखिए कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस ने झूठ का एक नैरेटिव, एक बाउंडर पूरे देश में खड़ा किया। उसमें इंडी गठबंधन के लोग भी थे, इनके यहाँ पूरी योजना प्लानिंग बनती थी कि हमने कौन सी स्क्रिप्ट झूठ की आगे फैलानी है, और उसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। परंतु अब कांग्रेस के उस चेहरे से नकाब उतर चुका है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं और लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब कांग्रेस का वो झूठ बिकने वाला नहीं है, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, हरियाणा में नकार दिया है, महाराष्ट्र के अंदर अब नकार देंगे। 20 तारीख को जब वोट होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, एनडीए के साथी यहाँ दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ मिलकर के विकसित महाराष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र, विकासशील महाराष्ट्र बनेगा। कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा, कांग्रेस विश्वास खो चुकी है, जन का खो चुकी है, क्योंकि झूठ बोलती है, लोगों के अंदर जहर भरने का काम करती है, जहर फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। किस प्रकार से ये लोगों को बोल करके बीजेपी के, एनडीए के लोगों के प्रति किस प्रकार से जहर उगल रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है। ये हार चुके हैं, इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया।